नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूँ मैं। अंग्रेजी शब्द का सही उच्चारण कैसे किया जा सकता है, कुछ ऐसी भ्रांतियाँ हैं या कह सकते हैं कुछ ऐसे जो है वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर और कॉमन है और आप जो है उसे गलत उच्चारण करते हैं, या हो सकता है सही भी उच्चारण करते हैं, लेकिन कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जहाँ गलतियाँ लोग करते हैं, वैसे वर्ड्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो 20 ऑफ द मोस्ट कॉमनली मिसप्रोनाउंसेड वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, बात वही है। और पहला वर्ड देखिए, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ ताकि आपको वीडियो में बना रहने का जो है मन करे। जैसे देखिए कुछ वर्ड, जैसे आप एस्प्रेसो बोलते हैं, ठीक है, या आप श्योर नहीं होता कि किसे कैसे उच्चारण करें, या डेजर्ट, या डेजर्ट। अब दो तरह का डेजर्ट लिखा जाता है, बोला जाता है, किसमें क्या उच्चारण सही होगा ये कहना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ और वर्ड्स होंगे। तो पहला वर्ड है दोस्तों, आप इस तरह से देखिए, पहला वर्ड पे चलते हैं। और पहला वर्ड है जो कि आपके सामने CROWD CLOUD। अब तो बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, क्राउड, क्लाउड, सभी जगह सही है, ऐसा लग रहा है क्या, सही है दोस्तों। एक जो है यहाँ पर समानता देख रहे होंगे आप, मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दूँ कि आपको समझ में क्या आएगा। ये जो W है आप यहाँ देख रहे हैं, W और D क्या दोनों कॉन्सोनेंट है, जबकि यहाँ जब बात करते हैं डी तो कॉन्सोनेंट है लेकिन यू कॉन्सोनेंट नहीं है। अब यहाँ भी नहीं है तब भी उच्चारण क्या होगा, अब देखिए इससे पहला वर्ड जो है क्राउड, क्राउड, जबकि दूसरा वर्ड क्लाउड, क्लाउड, सेम उच्चारण ओ डब्ल्यू से हो रहा है, क्योंकि यही सेम जो ये उच्चारण है इसी उच्चारण को इधर ले लिया गया है, क्लाउड, क्राउड, अलग अलग वर्ड्स होते हुए भी। दूसरा देखिए, ये देखिए SIXTH कैसे इसे पढ़ेंगे, तो देखिए ये लिखा हुआ है इजी, आप पढ़ते होंगे आपको पता होगा क्योंकि ये हमेशा पढ़ते हैं, आपको पहले ये पढ़ना होता है SIX, सिक्स, सिक्स में TH जैसे बात हम लोग बोलते हैं उसी तरह बात का ये थ आ जाएगा, TH को थ बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, सिक्स थ, सिक्स थ, सिक्स थ। अब इसमें देखिए बोलते समय हम लोग अपने जो टंग जो है अब दांत के सामने और नीचे की ओर रखते हैं बोलते समय, बोलिए बोल के देखिए, सिक्स नीचे, सामने से नीचे आता है। नेक्स्ट वर्ड है तो ये बोलेंगे सिक्स, किस तरह से बोले जाते हैं इस पर भी चर्चा है। अब देखिए ये वर्ड है SPECIFIC, क्या पढ़ते हैं इसे, तो देखिए अगर आप ओशंस के नाम जानते हैं जैसे पैसिफिक ओशियन, तो पैसिफिक अगर आपको बोलने आता है तो इसे अच्छे से बोल लेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे सिंपल तरीका से पढ़ने का ये तरीका है एस्पेसिफिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस वर्ड को लेकर, आप फिल्मों में देखते होंगे कि भाई बोला जाता है लेकिन कैसे बोला जाता है, और दो तरह से बोलते हैं हम इसे, ठीक है, IRON क्या पढ़ेंगे दोस्तों, IRON है, ये एक तो मेटल होता है, दूसरा जो है सो डिवाइस जिसे आप यूज़ करते हैं फ्लैटन, मतलब अपने स्कूल यूनिफॉर्म पर, तो एक फनी लिटिल वर्ड है और इसका उच्चारण इस तरह से होगा जैसे आई जो आपकी आँख है, आई रन, ये ब्रिटिश एक्सेंट, अब ब्रिटिश एक्सेंट आयरन, हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन कहते हैं ना भाई, आयरन नहीं किया हुआ कपड़ा, आयरन नहीं किया हुआ। अब जबकि अमेरिकन एक्सेंट की में अगर जाते हैं हम लोग तो आयरन, तो अब हम लोग को लगता है कि अरे ये अच्छा वर्ड है, हम लोग क्या करते हैं इसे पसंद करते हैं, आयरन बोलते हैं, आयरन जो कि अमेरिकी एक्सेंट है, जबकि आयरन गलत नहीं है, वो ब्रिटिश एक्सेंट है। अब देखिए इंडिया वाले लोग ज़्यादातर जो है ब्रिटिश एक्सेंट जो है अपने बुक्स में या पकड़ते हैं, लेकिन अब जो कंप्यूटर्स वगैरह है वो अमेरिकन को फॉलो करता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लोग इसी वजह से कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे अमेरिका जो है, अमेरिका कम, अगर यूएसए की बात किया जाए, यूएसए
यूसे को किसने बसाया है? तो बसाने वाले जो है दोस्तों वो है ब्रिटिशर्स है, ठीक है, ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटिश के लोग जो है उन्होंने जो है वही गए और वही जो है उनका राज था। लेकिन यूएसए वालों ने बाद में क्या किया कि पूरी तरह से अपना रिश्ता नाता जो है एक सगे भाई से सगे भाइयों में बंटवारा रहता है ना, उसे पूरी तरह से रिश्ता नाता तोड़ दिया। यहाँ तक कि उनके कल्चर, उनकी हर तरह के जो है गतिविधियाँ को भी चेंज कर दी। अगर हम लोग लेफ्ट साइड चलते हैं ना इंडिया में, कहाँ चलते हैं पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो लेफ्ट साइड चलते हैं। लेफ्ट मतलब अगर रोड है तो हम लोग किधर चलना पड़ेंगे पसंद करेंगे, लेफ्ट साइड से, ठीक है। लेकिन वो लोग क्या किधर चलते हैं, राइट साइड से, जब जस्ट उल्टा करते हैं। हम लोग का अगर गाड़ी की बात करते हैं, अगर मान लीजिए गाड़ी में एक ड्राइवर बैठा हुआ, ड्राइवर का सीट तो होता है स्टेयरिंग सीट, तो हम लोग का किधर होता है, राइट साइड में है ना, राइट साइड में होता है, जबकि उनका जो है लेफ्ट साइड में होता है, दम उस उल्टा। तो उन्होंने अपना अपना जो है बनाया है। तो ये देखिए आय रन, और ब्रिटिश में ब्रिटिश एक्सेंट है जबकि अमेरिकन एक्सेंट है आयन। तो हम लोग आयन कहना आजकल ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं, SOUTHERN, क्या पढ़ेंगे इसे? देखिए ये वर्ड जो है एक दिशा सूचक है ना, दिशा से रिलेटेड है यानी कि डायरेक्शन से रिलेटेड है। और इसे जो है दो तरह से इसे भी बोलेंगे, एक ब्रिटिश एक्सेंट में, दूसरा अमेरिकन एक्सेंट में। तो ब्रिटिश एक्सेंट में साउदर्न, शदर्न, शदर्न, साउदर्न है, हम लोग तो साउदर्न बोल देते हैं, शदर्न तो शदर्न ब्रिटिश एक्सेंट। जबकि बात करते हैं यहाँ पर ई नहीं होगा साउदर्न में, यहाँ पर, ठीक है, शदर्न, शदर्न, शदर्न ये ब्रिटिश एक्सेंट में है, जबकि अमेरिकन एक्सेंट में साउदर्न, साउदर्न। तो हम लोग इसे ही बोलते हैं, अगर आप जानते हैं बोलना तो आप साउदर्न करना पसंद करते होंगे, साउदर्न नहीं, साउदर्न। साउदर्न में आर नहीं है उच्चारण, ब्रिटिश एक्सेंट में आर का उच्चारण ये नहीं किया जा रहा है, जबकि अमेरिकन एक्सेंट में इसका उच्चारण किया जाता है। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं, और अगला वर्ड है तो सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा हमेशा कंफ्यूज रहते हैं हम लोग कि आखिर जो है WOMEN को जो उच्चारण किया जाता है आखिर क्यों किया जाता है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, तो ये पहला वर्ड, पहला थ्री वर्ड जो है इस वर्ड का, जैसे WOMEN, ये जो है इसका सिंगुलर जो होता है, आप सिंगुलर वर्ड जानते होंगे WOMAN। देखिए ये पहला तीन वर्ड एकदम कॉमन है, तो इसे जो हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, वुमन, जबकि ये नीचे वाला क्या करते हैं जो कि प्लूरल है इसको हम लोग बोलते हैं विमेन, विमेन। तो ये अब जो है विमेन और वुमन अब कहा जाता है उच्चारण में, तो आपको ऐसे ही कहना है। अगर आप वुमेन कहते हैं, वुमेन कहते हैं तो गलत है, अगर वुमेन या वुमीन कहते हैं तो गलत है इस वर्ड को, इसको क्या बोलना है, विमेन, विमेन। तो ये करेक्ट उच्चारण हुआ विमेन। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए दो मिलता जुलता वर्ड, दोनों का एक जैसा उच्चारण आपको दिखेगा लेकिन एक्चुअल में है क्या कि दोनों में अंतर है। पहला वर्ड का स्पेलिंग देखिए, यहाँ से देखिए DES, यहाँ तक है DES, उसके बाद जो है दोस्तों एक इसमें एक्स्ट्रा एस आ गया, ये वाला एस जो है एक्स्ट्रा आ गया, चाहे आप ये कहिए चाहे ये कहिए एक ही बात है, एक जो है एक्स्ट्रा आ गया, बाकी इधर से जो है सेम है लेकिन उच्चारण एकदम बिल्कुल डिफरेंट। एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि पहला जो वर्ड है ये जो एक नंबर में आपको दिख रहा है, इसे एक मैं नंबर मानता हूँ, ऐसे दो नंबर मानता हूँ। तो पहला जो है इसका अर्थ होता है दोस्तों ड्राई सैंडी है, बालू, बालू वाला जगह, कुछ ऐसा जगह जहाँ मतलब ऊँट वगैरह चलते हैं। और जबकि दूसरा वर्ड की बात करते हैं, दूसरा वर्ड जो है स्वीट, स्वीट डिश के बारे में, यानी कि खाने के बाद जो हम लोग खाते हैं उस वर्ड को ये इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें अब उच्चारण क्या होगा इस पे जो है देखिए, तो पहला जो है ये पहला वाला जो है, पहला वाला को जो सैंड बालू या रेगिस्तान की बात होता है, रेगिस्तान बोलते हैं इसे खाने के बाद वाला जो मीठा है, तो डेजर्ट, डेजर्ट, डेजर्ट ये पहला है उच्चारण डेजर्ट, जबकि दूसरा वर्ड का उच्चारण है डिजर्ट, 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 डिजर्ट,
डिजर्ट, उच्चारण अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें, हालांकि ये वाला वर्ड एलके को लेकर मैंने पहले भी बताया है बहुत सारे वर्ड्स में, फिर भी यहाँ आप देखें वर्ड चूंकि है आया है तो क्यों इस तरह से क्यों, तो देखिए इसे बोलते हैं योक, योक। एल जो है एल साइलेंट होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए सी ए एल एम अगर बात करते हैं तो काम, इसे पढ़ते काम, या आप ऐसे देखिए डब्ल्यू ए एल के इसे पढ़ते हैं वॉक, वॉक वॉक काम वॉक, या आप इसे ऐसे भी देखिए एफ एफ ओ एल के इसे क्या पढ़ते हैं फॉक, फॉक ठीक है फॉक, न कि फॉल्क, न कि यॉल्क, न कि वॉल्क, न कि काल, यही सीखना है। नेक्स्ट जो है अब ये वर्ड है तो पी आर ओ बी ए बी एल वाई, क्या पढ़ेंगे इसे, सिंपल सा तरीका है सो, तो इसका अर्थ जो क्या संभावना से रिलेटेड हो जाता है, और उच्चारण है तो प्रॉबली माने इजी, बहुत ही अच्छे समझना होगा प्रॉबली। नेक्स्ट तीन वर्ड को लें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू में एस्प्रेसो है ना, ये वर्ड क्या है कैसे इसका उच्चारण करेंगे, तीन वर्ड है। पहला वर्ड के देखिए यहाँ पर है, पहला वर्ड को इंडिकेट करते हैं, दूसरा वाला ये वाला है हो गया इंडिकेटर जैसे, और तीसरा जो है इसे ऐसे करके यहाँ पर मैं इसको सर्कल में करता हूँ। तो पहला देखिए अभी में क्या है आपको, तो क्या करते हैं कि पहला हो दूसरा हो तीसरा में सभी में लोग जो है एक्स का उच्चारण करने लगते हैं, एक्स एक्स ये जो है वर्ड्स उच्चारण में अपना लिया आता है जो कि गलत करते हैं। कैसे पढ़ना होगा इसे आप देखिए इस तरह से एश 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 पेश ली, पहला का उच्चारण होगा एस्पेशली एस्पेशली, दूसरा होगा एस्केप एस्केप एस्केप, तीसरा जो है तो एस्प्रेसो एस्प्रेसो हुआ ना। चलिए नेक्स्ट देखिए ये है जो वर्ड है, आप इसे अच्छे से देखिए समझिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। जैसे वर्ड ये आप सी एल ओ टी एच ई एस है, आप क्लोज रिलेटेड आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं सी एल ओ एस ई क्लोज, सी एल ओ है क्लोज, इसमें यही तो टी एच ई आ गया ना, उसका उच्चारण कैसे होगा, तो अमेरिकन जो है इसी से मिलता जुलता क्लोज से मिलता जुलता ही वर्ड का उच्चारण करते हैं क्लोथ क्लोथ क्लोथ, ठीक है क्या पढ़ेंगे क्लोथ, ठीक है। नेक्स्ट जो है चलिए नेक्स्ट वर्ड ये रहा एस टी ओ एम ए सी एच, सी एच को हम लोग मैंने पहले आपको पहले ही बताया सी एच को क पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं क पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ ये चीज़ देख रहा है सो, जैसे होता क्या है कि लोग जो है एस टी ओ है तो स्टो पढ़ेंगे स्टो स्टो, क्या पढ़ते हैं स्टो, जो कि गलत करते हैं स्टो, जो कि जैसे स्लो पढ़ते हैं स्टो, तो स्लो के जैसे स्टो 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 नहीं पढ़ेंगे इसे, इसे पढ़ेंगे स्ट स्ट स्ट, ये जो हो गया एस टी ओ स्ट स्ट मक, बाकी जो एम ए सी एच सी एच सी एच को तो मैंने बोला ही तो मक स्टमक स्टमक, क्या पढ़ेंगे स्टमक स्टमक, क्या बोलेंगे स्टमक, याद अच्छे से रखिए वर्ड्स को स्टमक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपके दिन से रिलेटेड है, और ये वर्ड मैंने हमेशा बोला है कि भाई जैसे सप्ताह का दिन होता है अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग तरह से उच्चारण करते हैं, तो दोस्तों हर दिन किसी न किसी भगवान के नाम पे, चाहे हमारे हिंदी सभ्यता की बात करें यानी कि इंडिया की बात करें या आप विदेशों में बात करें, कोई ना कोई दिन किसी न किसी भगवान को जो है इंडिकेट करते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है शॉर्ट कर दिया जाता है बोलते समय, और वर्ड्स का उच्चारण इस तरह से होता है वेडनेसडे नहीं, लोग क्या पढ़ते हैं वेडनेसडे, आप नहीं पढ़ना है, डे तो है ही, डे में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जो है सो यहाँ से आपको यहाँ से जो ये है डी एन ई एस जो है इसी में बदलना है एन एस, वेंस क्या पढ़ेंगे इसको वेंसडे वेंस एन जेड कर देना है इसको वेंसडे वेंसडे,
नेक्स्ट देखिए वेंसडे के बाद ए एस के, इजी है, आपको लगेगा इजी है लेकिन इजी तो है लेकिन समझ के पढ़ने से समझ में आएगा कि क्या बोला जाता है। जैसे इसे आप दोस्तों ब्रिटिश एक्सेंट में आस्क आस्क, जबकि अमेरिकन एक्सेंट में आस्क आस्क आस्क, थोड़ा सा बोलते समय जो है आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि उच्चारण तीन लेटर का है, इसमें पता भी नहीं चलेगा। तो अच्छे से आप इसे पढ़ेंगे ब्रिटिश एक्सेंट में आस्क, ठीक है आस्क, और अमेरिकन एक्सेंट में ब्रिटिश एक्सेंट में आस्क, जबकि अमेरिकन एक्सेंट में आस्क आस्क। अब ये वर्ड जब आप बोलेंगे तभी पता चलेगा, बोलने से ही क्लैरिटी आपको आएगी। अब देखिए ये वर्ड है डी ई एफ आई एन आई टी एल वाई, तो ली इसे मैं बता दूँ, एल वाई को ली पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ली 100% पढ़ी है। अब जो है वर्ड्स है इसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए डिफ डिफ इन एटली डिफिनेटली डिफिनेटली डिफिनेटली। तो दोस्तों आप इसे कुछ लोग जो है डिफेंटली पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअल उच्चारण जो है इसी तरह से होगा डिफ डिफ एंटली डिफ एंटली डिफिनेटली नहीं डिफिनेटली, कुछ लोग डिफिनेटली डिफिनिट 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 डिफिनेटली डिफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वाला वर्ड ये देखिए ये रहा, यहाँ जो है वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैंने लिखा है, दूसरा ये रहा, तो इसको भी सर्कल कर लेते हैं समझने के लिए। इसका उच्चारण इस तरह से हो जाएगा लाई लाई, तो देखिए ये है लाई, यहाँ पर इसे काट लीजिए लाई व्र री, पहला को पढ़ेंगे लाई व्र री लाई व्र री लाइब्रेरी, जबकि दूसरा को फैब्रू फैब्रू फै देखिए फैब्रू ए री फैब्रू ए री अरी फैब्रुअरी फैब्रुअरी लाइब्रेरी 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 नहीं लाइब्रेरी नहीं लाइब्रेरी फैब्रुअरी फैब फैब्रू एयर एयर हो गया, जैसे यहाँ देखिए फेब्रुअरी। नेक्स्ट देखिए अब इस वर्ड में दोस्तों एल को साइलेंट रखा गया है, मतलब मैं हमेशा बताऊँ एल साइलेंट है यानी उच्चारण यहाँ नहीं करना, क्या उच्चारण करना है शामन शामन शामन, जैसे हम लोग बोलते हैं ये लिखते हैं एस एल डबल ऐसे लिखते हैं सैलोन, तो कुछ लोग इंडिया में जो डबल ओ करके भी लिखते हैं ऐसे करके आप देखते होंगे कि इस तरह से शैलून, तो शैलून नहीं शैलो शैलो, उसी तरह यहाँ है शामन शामन मुन नहीं शामन शालमन, हम लोग तो शुरू शुरू में जो है जब नहीं पढ़ने आता तो सालमन बोलते सालमोन सालमोन, क्या बोलते थे सालमोन, आप भी बोलेंगे सालमोन तो गलत हो जाएगा शामन, क्या बोलेंगे शामन। उसके बाद देखिए ये वर्ड है नेक्स्ट जो वर्ड है ये रहा ई पी आई टी ओ एम ई, सिंपल सा है कैसे क्या पढ़ेंगे इसे दोस्तों ए पेट ओमी इपेट ओमी ई पेट ओमी इपेटोमी, तो इस तरह से तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा इपेटोमी इपेटो इपेट इपेटोमी इपेटोमी। नेक्स्ट वर्ड है ये वर्ड बहुत ही कॉमन और आप बोला कि भाई इस तरह का वर्ड कौन नहीं पढ़ लेगा, पढ़ेंगे कप बोर्ड, कौन सा गलत है कप बोर्ड यही तो पढ़ेंगे सी यू पी कप, देखिए लिखेंगे कप और बी यू आर डी बोर्ड, इससे अच्छा उच्चारण आपको आ ही नहीं सकता, जबकि दोस्तों इसको ऐसे नहीं बोलना है कप बोर्ड, इसे बोलना है क बोर्ड क बोर्ड बोर्ड नहीं क वर्ड कवर्ड कवर्ड, तो धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे कवर्ड कवर्ड, यही उच्चारण इस वर्ड का है कवर्ड, वर्ड तो आप जानते हैं कवर्ड वही कवर्ड है, कवर्ड क्यों पढ़ा गया इस बात को भी समझिए। तो दोस्तों पी जो है ये पी जो है इस पी को साइलेंट कर दिया गया है, जी हाँ साइलेंट लेटर को इसको साइलेंट करके बोला गया है तभी तो कवर्ड पढ़ा गया है, जी हाँ
कवर्ड, सी यू बी ओ ए आर डी, लेकिन लिखेंगे पी के साथ ही, बोलेंगे भले ही कवर्ड इस तरह से कवर्ड। अब लास्ट है और आखिरी देखिए दोस्तों, इस वर्ड को तो बोलना आपको शुरू में चाहिए था, वर्ड क्या है इतना लंबा और इसे कैसे उच्चारण करेंगे, तो ये वर्ड है दोस्तों इस तरह से बोलेंगे प्रोनंसिएशन। देखिए ये मैंने पहले ही बताया कि इसे सन पढ़ते हैं, कहीं भी मिल जाए सन पढ़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है दोस्तों ओ जो है इसको ओ नहीं पढ़ना है, यहाँ आ पढ़ना है, अब सही हो जाएगा आपको, यू को भी आ पढ़ना है, ठीक है। तो अब हो जाएगा प्र 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 नन नन सी सी ए ए के लिए ये यहाँ आ गया शन, प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों इस तरह से इसमें कभी गलतियां ना करें, प्रोनाउंसिएशन नहीं कहें, लोग अक्सर बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन आता है, तो दोस्तों प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन। तो दोस्तों ये था 20 बहुत सारे ऐसे रोज बोले जाने वाले और वर्ड्स जिसको आपने देखा, और इस तरह के वीडियो आप मिस न करें, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, और हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।